जी बोलिए रेखा जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैम मेरी काफ़ी तबीयत हो चुकी है और पीरियड्स अभी तक नहीं आए मेरी। मैं काफ़ी टेंशन में रहती हूँ कि मेरी सारी फ्रेंडों को पीरियड्स आती है और मेरी नहीं आती है, और मेरी शादी भी होने वाली है, तो मैं ये सोचती हूँ कि कहीं इस प्रॉब्लम पे ससुराल में ना हो। देखिए रेखा जी, मैं आपको बता दूँ, पीरियड्स की जो टाइम होती है नॉर्मल लड़कियों की एज होती है 10 या 12 होती है, 10-12 टाइम मतलब उनकी एज में आने ही लगता है पीरियड। आपकी एज, आपने जैसे बताया कि आपको मतलब 20 ईयर्स हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 20 ईयर्स के बाद पीरियड्स नहीं आते हैं। किसी को 10-15 साल की एज में आते हैं, 16-17 साल में, 20 की एज में आते हैं। शादी के बाद, शादी होती है उसके बाद में आना स्टार्ट होता है, ठीक है। पीरियड्स आते हैं क्योंकि पीरियड्स इसलिए आते हैं जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो निकालना होता है, वेस्ट होता है, ये सारी रीज़न होते हैं। तो आप इसकी टेंशन ना लीजिए कि आपको पीरियड्स नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम होगी, पीरियड्स आएंगे, टाइम होगा थोड़ा सा आपको बॉडी के अकॉर्डिंग होगा। तो मैम मेडिसिन वगैरह तो यूज़ कर सकते? नहीं नहीं, मेडिसिन बिल्कुल मत यूज़ करो। मेडिसिन यूज़ करोगे तो आपके अगर जो चीज़ें आनी भी होती है डबल होती है तो वो सब ब्लॉक कर देता है मेडिसिन जो होता है। मेडिसिन के बारे में मत सोचिए, एक बार चेक करा लीजिए हो सके बॉडी का। बाकी आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, किसी किसी को पहले आ जाता है, किसी को बाद में आता है। अच्छा ठीक है मैम। मैम ये कहना चाह रही हूँ कि अगर पीरियड्स आए तो मतलब कैसे पता चले कि मुझे आ गया? और मेरी फ्रेंड है तो काफ़ी मुझे डराती होती है कि पीरियड्स आता है तो बहुत पेन होते हैं पूरे बदन में। जी तो जी हाँ, ऐसा होता है जैसे कि कभी कभी किसी को वो पीरियड्स आता है, कई लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब शाउटिंग वाला पेन होता है बहुत ही, इस तरह से जैसे कि मतलब बहुत ही मचल जाना इस टाइप का पेन होता है। वो इसलिए होता है कभी कभी हमारी बॉडी में ब्लड जो होती है कमी होती है, जिसकी वजह से उसे प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पाती, इस कारण भी होता है। या फिर आप अच्छे से डोज नहीं ले पा रहे हो, प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हो, इन वजह से ऐसा होता है। वरना नॉर्मली किसी को आ जाता नहीं पता चलता, पेन नहीं होता है। आपने देखो तो किसी लड़कियों के होते हैं बहुत एक्टिव होती हैं, पीरियड टाइम में भी होती है, तो वो उनके साथ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। आप रेगुलर नींद लीजिए, अच्छे फूड लीजिए, सारी चीज़ें टाइमली करेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ठीक है मैम, थैंक यू।